नमस्कार दोस्तों, हम आज एक इंडियन सक्सेस स्टोरी की बात करने वाले हैं। एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जो आप जानते हैं आपके सामने है। क्रेड की हम बात करने वाले हैं। क्रेड बिजनेस मॉडल क्या है, क्या है इंडियन सक्सेस स्टोरी। राहुल द्रविड़ को जो बहुत ही कूल एंड काम रहे हैं एज ए कुकुम्बर, उनको इंदिरा नगर का गुंडा बनाने से लेकर चाचा चौधरी को फोमो देने तक, क्रेड अलग अलग बार हमारे सामने आया अपनी क्राफ्टी कैंपेन और वैकी एड के जरिए। और हम लोग भी काफी इंप्रेस हुए, ना सिर्फ क्रेड के क्रिएटिव एड से बल्कि उसके बिजनेस मॉडल से भी। इनफैक्ट आज के टाइम में क्रेड इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेटअप्स इन द कंट्री। हम सभी लोग क्रेड को लेकर काफी क्यूरियस रहते हैं राइट फ्रॉम इट्स फर्स्ट एड। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्रेड का रिवेन्यू मॉडल और कैसे ये फिनटेक कंपनी ने डिस्पाइट ऑल ऑड्स ऑलमोस्ट 100 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया इस फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं एक डीमैट के थ्रू और आपने अभी तक नहीं खोला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देश के सबसे बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको दिया जिसमें एंजल वन सबसे पहले शामिल है और जिसमें आपको 1 ईयर का फ्री एमसी, स्मार्ट केस, स्मॉल एपीआई, 20 रुपए की फ्लैट ब्रोकरेज, पर्सनलाइज एडवाइजरी, एमटीएफ फैसिलिटी सब मिलने वाली है। तो अपने डीमैट ट्रेडिंग की शुरुआत आज कीजिए, ये सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्रेड की शुरुआत कैसे हुई। क्रेड की शुरुआत की थी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर कुणाल शाह ने 2018 में। फ्रीचार्ज तो याद होगा आपको, काफी बार आपने भी उसे यूज किया होगा। वेल, कुणाल शाह का वो पहला सेटअप था जिन्होंने 2015 में स्नैपडील को 400 मिलियन में बेच दिया था। 3 साल वो खूब घूमे देश विदेश और उन्होंने रियलाइज किया कि कैसे डेवलप्ड नेशंस में पेट्रोल पंप और शॉपिंग स्टोर्स में कोई अटेंडेंट या कैशियर नहीं होता, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से चलता है। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, उन्होंने देखा कि लोग सिस्टम्स के लिए लॉयल हैं क्योंकि सिस्टम ट्रस्टवर्दी लोगों को कंटिन्यूअसली उनके ट्रस्टवर्दी बिहेवियर के लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड्स देता रहता है। यूं कहो कि कर्मा पॉइंट्स मिलते रहते हैं। कंपैरेटिवली इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहां तो ट्रस्टवर्दी लोग अक्सर दूसरे लोगों को मिसकंडक्ट करते हैं, डर्टी ट्रिक्स में उनको फंसा देते हैं और उनको लूट लेते हैं, उनके साथ स्कैम्स होते हैं और हमारा ट्रस्ट सब ढीला हो जाता है। After all, we have that चलता है attitude। कुणाल ने सोचा कि इंडियन मार्केट में ऐसे frictionless environment क्रिएट किए जाए जहां honest, loyal और trustworthy citizens को भी rewards मिलें। और एक बार अगर ऐसा ecosystem तैयार हो गया तो फिर change अच्छे karma points के लिए इंडिया में भी rat race लग जाएगी। तो कुछ ऐसा सोच के क्रेडिट की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि क्या है क्रेडिट का बिजनेस और रिवेन्यू मॉडल। फंडामेंटल्स बिल्कुल सिंपल है। जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल क्रेडिट की ऐप पर भरेंगे, आपको रिवॉर्ड्स के फॉर्म में पॉइंट मिल जाएंगे जिनको हम कॉइन्स कहते हैं। एक्चुअली ये रिवॉर्ड्स आपको आपके अच्छे फाइनेंशियल बिहेवियर पर ही मिल रहे हैं। तो अगर आप अपने बिल्स टाइम पे भरेंगे और आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे तो कैशबैक दोनों ही मिलते रहेंगे। क्रेडिट की एक अपनी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है और आप क्रेडिट मेंबर तभी बन सकते हैं जब आपका मिनिमम क्रेडिट स्कोर 750 हो। अगर उससे कुछ कम हुआ तो यू कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो यही रीजन है कि क्रेडिट इतना पॉपुलर क्यों है। वेल, क्योंकि लोगों में एक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फीलिंग क्रिएट करता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। इंटरेस्टिंगली ये फोमो इतना स्ट्रांग हो गया कि लोग एक्चुअली अपना क्रेडिट स्कोर सुधार रहे हैं ताकि वो क्रेड कम्युनिटी का हिस्सा बन सके और काफी सारे रिवॉर्ड्स भी जीत सके। फिर अगर शर्मा जी का लड़का क्रेड कॉइन्स और रिवॉर्ड्स की वजह से हॉलीडे पे जाएगा और फिर ऑफिस कुलिक्स डिस्काउंटेड रेट पे शॉपिंग करेंगे तो हमें तो फोमो हो गई, फोमाली फीलिंग आएगी। देखा कैसा ऑल फॉर गुड एंड गुड फॉर ऑल इकोसिस्टम बनाया है क्रेड ने। और कुछ 1300 से भी ज्यादा ब्रांड्स क्रेड के पार्टनर्स हैं जिनमें से एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू क्रेड को जाता है और कुछ 1300 से भी ज्यादा ब्रांड क्रेड के पार्टनर हैं जिनका एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू क्रेड को जाता है जस्ट फॉर लिस्टिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। इसके अलावा क्रेड के पास रेंट पे, मिंट, स्टैश जैसे फीचर्स भी हैं जिनसे वो छोटा सा कमीशन भी कमाता है। अब जानते हैं कौन है क्रेड के फंडर्स और अब तक कितना पैसा इन्वेस्टर्स ने इसमें लगाया हुआ है। वेल, कंपनी एक्सपेंशन में 2018 से लेकर टिल डेट काफी नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा डाला है क्रेड में। करंट बेस के हिसाब से ये बेंगलुरु बेस कंपनी ने 8 फंडिंग राउंड्स में अभी तक $722.2 मिलियन रेज किए हैं थ्रू 32 इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग टाइगर ग्लोबल, फाल्कन एज कैपिटल, क्वाइट मैनेजमेंट, इनसाइड पार्टनर्स, डीएसडी ग्लोबल, मार्शल वेस, आरटीबी ग्लोबल, ग्रीन ओक्स कैपिटल, सफीना एंड रिसेंट बिंग ड्रैगन इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप एंड द स्टेडफास्ट कैपिटल मैनेजमेंट। जी हां, क्रेड एक यूनिकॉर्न बन चुका है अब। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या हम भी क्रेड जैसा कुछ सक्सेसफुल मॉडल बना सकते हैं, वेल, क्यों नहीं। अगर हम अवेलेबल रिसोर्सेज से कुछ ऐसा सिस्टम या प्रोडक्ट तैयार करें जो कस्टमर के बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है तो विदाउट एनी अजम्पशन और डाउट हम एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जरूर तैयार कर सकते हैं। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग भी कहते हैं, जहां स्टार्टअप का काम ये होता है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिससे कस्टमर्स के बेसिक प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल का है और इसे साइंटिस्ट अप्रोच भी कहा जा सकता है जिससे आज के एरा में एलन मस्क काफी पॉपुलराइज करते हैं। द गोल इज टू रिवर्स इंजीनियर एवरी स्टेप एंड क्वेश्चन एवरीथिंग इन बिटवीन। क्या आप सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए?
यू नेवर नो व्हाट इज नेक्स्ट। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।